हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अमेजोन में स्टार्ट होने जा रहा है किक स्टार्टर डील्स, जो कि सितंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको बहुत सारे टॉप ब्रांड्स, बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारा मिलेगा, तो ज़रूर जाके ट्राई कीजिए। इसके बारे में मैं आपको आगे और भी बताऊँगी, पर मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। सपने बूंद बूंद नैनों को बूंद बूंद, कैसे मैं कहूँ देख ना सकूँ अनजाने रास्ते। गूंजा सा है कोई तारा एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा एक तारा। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मॉर्निंग में आपने देखा कि मिस्टर पुरोहित मेरे बाल ड्राई कर रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा देर हो गया। आज मैं जब निकल रही थी, मॉर्निंग में रेडी हो रही थी, तो जल्दी जल्दी मैं बोली कि मैं इधर मेरा अपना काम कर रही हूँ, अब थोड़ा बाल पीछे से थोड़ा ड्राई कर लो। अच्छा है, अच्छा लगता है जब हस्बैंड ऐसे छोटी छोटी बातें मतलब करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है ज़रूर बताना कमेंट में, है ना। तो क्या होता है, बहुत मतलब एक अच्छा फीलिंग आता है कि हस्बैंड लोग इतना क्यूट क्यूट चीज़ें जब करते हैं तभी। तो आज मैं आपके पास आई हूँ कुछ शेयर करने के लिए, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो चलिए, कुछ अच्छी और कुछ पुरानी बातें जो कि रिसेंटली एक चीज़ हुआ मेरे साथ, वो मैं अभी तक शेयर नहीं की हूँ। शायद दीदी बता चुकी है अपने ब्लॉग में, पर मैं अच्छे से आज बताऊँगी। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले वही चीज़ हुआ था, तो वो क्या और इसका एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन लेकिन उससे पहले आपके साथ अभी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सुपर चीज़ें, पर लास्ट में मैं जो बताने वाली हूँ ज़रूर देखिए ब्लॉग लास्ट तक, बहुत ही हार्ट टचिंग है मेरे लिए। तो मैं भी, आपको भी अच्छा लगे तो ज़रूर सुनिएगा। एक एक्सीडेंट के बारे में जो कि मेरे साथ हुआ था, वो चीज़ मैं बताऊँगी आपको। और अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ सामान मंगाई हूँ अमेज़ॉन से, और अमेज़ॉन में स्टार्ट होने जा रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, क्योंकि अभी आ रहा है दशहरा और बहुत सारा फेस्टिवल्स, तो आप लोग उसका मज़ा ले सकते हो, आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 1000 से ज़्यादा टॉप ब्रांड्स के ऊपर होगा डिस्काउंट। उसके बाद फिर मैं जो चीज़ दिखाऊंगी, वो चीज़ में एक बहुत अच्छा क्वालिटी है, वो है सारा का सारा 4-स्टार रेटिंग है, जो कि सुपर्ब है। और उसके अलावा सारा जो मैं मंगाई हूँ, मतलब रिव्यू देख के 500 से ज़्यादा रिव्यू है सब में, तो वो सब चीज़ देख के मैं मंगाई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो। तो अभी मैं आपके सामने एक कुर्ती पहनी हूँ, आपको दिख रहा है, अभी तक मैं टैग नहीं निकाली हूँ, देखिए बस आपको पहन के दिखा रही हूँ। इसका फोटो मैं साइड में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा कुर्ती है और पूरा प्योर कॉटन है। देखिए उसके ऊपर ये गोल्डन वर्क हुआ है, प्रिंट है ये वाला, मतलब ये नहीं है, स्टिच नहीं है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत स्मार्ट लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फिटिंग भी आया है मुझे। तो ये है फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट जो कि मैं मंगाई हूँ अमेज़ॉन से। तो आज जो है सारा का सारा फैशन के ऊपर है, बहुत अच्छा अच्छा है, सब मैं दिखाऊंगी आपको। अगर अच्छा लगा तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ से मंगवा सकते हो। इसका दूसरा कलर भी आप, मतलब था, आप जाके चूज करके मंगवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको। सेकेंड चीज़ है जो कि मैं मंगाई थी मिस्टर पुरोहित के लिए, एक मरून कलर का शर्ट, देखिए बहुत अच्छा, और ये पैटर्न में मंगाई हूँ जो उनको पसंद है, और ये मरून है ताकि मेरे कोई भी ड्रेस या किसी के साथ मैं मैचिंग करके उनके साथ पहन पाऊँ। तो ये उनकी, ये सब शॉपिंग है, दशहरा शॉपिंग, तो ऐसा नहीं है कि आप खुद के लिए भी मंगाओ, आप गिफ्ट देने के लिए भी मंगा सकते हो। बहुत अच्छा अच्छा ब्रांड, बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में, क्योंकि दशहरा आ रहा है तो उसके लिए डिस्काउंट के चलते आप उसको मंगवा सकते हो। और अभी से अगर आप शॉपिंग करना स्टार्ट करोगे तो रख के आराम से दशहरा तक हो जाएगा, इसीलिए मैं बहुत जल्दी दिखा रही हूँ।
तो ये हो गया मेरा सेकंड प्रोडक्ट। उसके बाद उनका एक शर्ट मैं फाड़ दी थी, मतलब मेरे वजह से फट गया था, तो अच्छा नहीं लगता ना उनका फेवरेट व्हाइट कलर का शर्ट। तो ये वाला मैं उनके लिए एक मंगाई हूँ, एलन सोली का, वो भी एलन सोली का था, तो उसको देख के मैं मंगाई हूँ। बहुत अच्छा ब्रांड है, फुल शर्ट है देखिए, और उनको बहुत पसंद है व्हाइट कलर, क्योंकि वो ज्यादातर बहुत व्हाइट पहनते हैं स्कूल जाने के टाइम पे, फॉर्मली ऐसे बहुत पहनते हैं, तो उनको व्हाइट पसंद है, तो ये एक व्हाइट शर्ट उनके लिए। आप भी मंगवा सकते हो और गिफ्ट देने के लिए भी। और एक मंगाई हूँ, ये एक स्वेट सूट टाइप का है, देखिए सर्दियों का दिन आ रहा है, आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये मंगवा सकते हो। ये भी बहुत अच्छे ब्रांड एलन सोली का ही है, इसका प्राइस तो यहाँ पे 1500 लिखा है, लेकिन ये डिस्काउंट में है और बहुत अच्छा है इसका क्वालिटी। मैं तो बाबू के लिए भी मंगाई हूँ, और सेम चीज़ बाबू के लिए मंगाई थी पहले, तो वो वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा रेट में मिला, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो ज़रूर जाके मंगाइए। और ये बटर ग्रीन कलर का है, बहुत अच्छा है, ये भी गिफ्ट देने के लिए मंगाई हूँ दशहरे के लिए, किसके लिए ये नहीं बताऊंगी, लेकिन वो सरप्राइज है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है, आप भी चाहो तो मंगवा के दे सकते हो। कि उसके बाद आ रहा है सर्दियों का दिन आ रहा है ना, तो उसी टाइप का अगर दोगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये एक साड़ी ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुआ है, ये भी मैं मंगाई हूँ, चुनरी प्रिंट में है ऐसे, तो मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखाती हूँ। इसका लुक देखिए बहुत अच्छा है, साड़ी का मैं फोटो दे दूंगी और यहाँ से थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। हाफ हाफ में है, मतलब ये वाला ब्लू पार्ट नीचे आएगा और ये ऑरेंज पार्ट ऊपर आएगा। ये फिर से ट्रेंडिंग आया है, ये करीब 4-5 साल पहले ट्रेंड में था बहुत, और इस बार अभी फिर से आया है, और दशहरा टाइम पे पहनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, गरबा या फिर आप कहीं पे दांडिया वांडिया देखने जा रहे हो या फिर, बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये वर्क बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, देखिए मिरर भी लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छे रेंज में मिल गया, जो कि एक्चुअली ये साड़ी ना बहुत कॉस्टली आता है, पर डिस्काउंट के चलते ये भी बहुत अच्छे रेंज में मिला, और क्वालिटी तो सुपर्ब है। आप भी ये साड़ी मंगवा के किसी को, जैसे दशहरा में हमें गिफ्ट देना होता है ना, तो हम मंगवा के दे खुद भी यूज कर सकते हैं जी हाँ, आप ऐसे करके पहन सकते हो या फिर गुजराती पैटर्न में भी पहन सकते हो, ताकि दांडिया के टाइम पे आप पहन के जा सको। तो ये साड़ी मैं मंगाई हूँ दो ठो, एक तो ऑरेंज एंड ब्लू और एक नेवी ब्लू, और एक ये ऊपर आएगा ऐसे ब्लू, देखिए ये भी बहुत ही प्यारा कलर है, इसमें भी सेम एम्ब्रॉयडरी है, और नीचे है ऐसे ही लेमन येलो, और इसके ऊपर वर्क देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये साड़ी। इसका भी पिक मैं दे दूंगी, और इसमें ब्लाउज, जी हाँ ब्लाउज भी दिया गया है यहाँ पे, और देखिए ब्लाउज में आप इसको डाल सकते हो, इतना लंबा दिया है ब्लाउज, आराम से हो जाएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। तो ये साड़ी भी आप आराम से यूज कर सकते हो, मुझे तो दोनों ही कलर बहुत अच्छे लगा इसलिए मैं मंगाई हूँ। ये भी हम गिफ्ट देने के लिए मंगाए या फिर यूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो पर मुझे बहुत प्यारा लगा। इस पैटर्न का साड़ी है हमारे पास, तो अच्छा लगता है ना नया नया कलर पहनने के लिए। तो ये सब चीजें मैं मंगाई थी अमेजोन से, आपको कैसा लगा जरूर बताइए। तो चलिए कुछ देर बाद आपसे बात करती हूँ, वो एक्सीडेंट के बारे में मैं बताऊंगी, तो उससे पहले अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके क्लिक कीजिए और सारा सामान खरीद लीजिए। तो चलिए चलते हैं बातें करने, जो मेरे साथ हुआ था एक्सीडेंट, चलो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वो चीज शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ था, कब 2017 में हम लोग नवरात्रि किए थे, नवरात्रि खत्म हुआ उसके बाद हम लोग बलांगीर गए थे मिस्टर पुरोहित के साथ। उस टाइम पे मैं गई थी उस दिन समलेश्वरी मंदिर, जी हाँ समलेश्वरी मंदिर गई, दर्शन की बलांगीर में, और उसके बाद पास में एक शॉप था वहां पे थोड़ा सा शॉपिंग किए और हम लोग घर आ रहे थे। तो जो दुर्गा मंदिर है उसके सामने जो गली है, जो रास्ता है, तो उसी रास्ते से हम लोग आ रहे थे। तो उसी रास्ते में एक होम्स जो रहता है ना वो था, तो हम लोग स्कूटी में आ रहे थे, पापा के स्कूटी में गए थे, स्कूटी का फर्स्ट बार आगे थोड़ा सा हम किए ऐसे, उसके बाद क्या हुआ पीछे से मैं स्लिप हो गई, स्लिप होके जाके धड़ाम से सामने पूरा लेट गई, जैसे सामने पूरा एकदम सो के जैसे गिरते हैं, और मेरा यहाँ पे जोर से लगा यहाँ पे, तो जो वहां पे लगा, जो एक्सीडेंट मतलब जो बजा मुझे वहां पे जोर से, तो मेरा एक हाथ
और ये साइड टोटली जोर से, मतलब जोर से पूरा एकदम से लगा कि मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो गया मेरे साथ। मुझे लगा यहाँ पे लगा है थोड़ा सा, और अचानक से मेरा चूड़ी वूड़ी टूट गया, सोने का कंगन जो पहनी थी वो भी टूट गया, और बहुत जोर का लगा। मैं पिक यहाँ पे दे दूंगी, उस टाइम का पिक है एक्चुअली। वो चीज़ मुझे याद आया और मैं पिक देख रही थी तो याद आया, तो वो चीज़ मैं दे रही हूँ। इतना जोर से लगा मुझे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ पे, और तुरंत वो पास के सब दुकान वाले जो भैया लोग थे सब लोग आ गए, मुझे उठा के लेके गए, पानी वानी पिलाए, ब्लड नहीं निकला कहीं से, थोड़ा सा फूल गया। और उसी हालत में फिर हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद धीरे धीरे करके मेरा वो फूलना बढ़ते गया, ये वाला आँख क्लोज हो गया, क्लोज होते होते मतलब यहाँ पे धीरे धीरे करके ब्लड जाम हो गया ब्लैक कलर का, अंदर ब्लीडिंग हुआ था बाहर नहीं हुआ, आग से होते हुए वो ब्लड ऐसे नीचे तक यहाँ तक जैसे काला हो गया था पूरा। पिक मैं दे दूंगी, आप लोग देखिए यहाँ पे। तो वो जो एक्सपीरियंस, और वो क्लियर होने के लिए मुझे करीब एंटीबायोटिक तो लेना पड़ा, करीब 15 डेज तक मुझे लेना पड़ा, और उसके बाद वो ब्लैक धीरे धीरे कम होते होते मेरा 2-3 महीना हो गया, धीरे धीरे करके कम हो गया। तो उस दिन मुझे पता नहीं क्या लगा, पर मैं हाँ एक्सीडेंट हो गया, चलो लग गया थोड़ा सा, मैं बच गई, ये वाला फीलिंग आया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो मेरे साथ हुआ, उस दिन मैं इतना डर गई, जैसे मैं आपको आपको पता भी नहीं चला होगा क्योंकि उस दिन का भी मैं वीडियो छोड़ी हूँ, पर इस बारे में कुछ नहीं बताई हूँ, तो उसके बारे में मैं अभी बता रही हूँ। उस दिन था तीज, जिस दिन हम लोग का, मैं लहंगा पहनी थी, रेडी हुई थी, उसी दिन का वीडियो है, सॉरी उसी दिन की बात है। मैं तो स्कूल गई थी 4 बजे, स्कूल से जैसे आते हैं आई, आते टाइम पे मैं एक छक में खड़ी थी सुंदरगढ़ में, यहीं पे ही स्कूल सारे छक में खड़ी थी, बातें कर रही थी किसके साथ। तो वहां पे क्या हुआ, सामने से एक बस आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं स्कूटी लेके खड़ी हूँ, सामने जस्ट छक के पास बस, स्कूल बस रुका हुआ था, क्योंकि 4 बजा था, स्कूल बस रुका हुआ था। मैं सोची कि मैं बस तो रुका हुआ, मैं टर्न करके आगे ये रास्ते से मुझे जाना था, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ऐसे करके मुझे इधर जाना है, बस यहाँ पे है ठीक है, तो मुझे ऐसे करके जो यहाँ से जाना है वो 3 छक था, ये रास्ता लंबा और यहाँ से एक रास्ता था, तो मैं ऐसे करके जाने वाली सोच रही हूँ जाऊंगी बोल के, फिर बोली कि हाँ चलो चलती हूँ। उस दिन मुझे पूजा था ना, तीज पूजा था, इसलिए जल्दी आना था, घर आके रेडी वेडी होना था, तो उसके बाद पूजा फिर हम लोग किए ना, तो मैं फिर वीडियो शूट की, देखिए उतने होने के बाद भी। तो ये 4 बजा था, तो मैं जैसे यहाँ से टर्न की, बस था तो उधर से एक लड़का बाइक में आ रहा था, तो मुझे नहीं पता था वो कौन है, वो मुझे बाद में पता चला कौन है, उसको भी नहीं पता कि मैं आ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वो आ रहा है, क्योंकि बस तो है ना वहाँ पे। तो मैं धीरे से ऐसे टर्न कर रही थी, ज़्यादा स्पीड स्कूटी नहीं थी, वो थोड़ा सा स्पीड में था, तो दोनों का डाइश हो गया कॉर्नर में, ये बस है और बस का जो इधर का कॉर्नर, मैं जैसे इधर से जा रही हूँ तो वो इधर से सामने से आके यहाँ पे डाइश हो गया, और जो वो दोनों का ऐसे बजा, मतलब उसका बाइक और मेरा, और मैं इतना जोर से ब्रेक लगाई, मेरा मतलब ये हाथ पूरा जाके ऐसे मोड़ के ऐसे हो गया था, मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक पेन था, अभी तो 2-3 दिन हुआ, कम हुआ है, वो पेन हो रहा, हाथ उठा नहीं पा रही थी मैं, पूरा ऐसे बज गया हाथ में, थोड़ा सा लगा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ कहीं पे नहीं हुआ, खाली स्कूटी में थोड़ा सा आगे तो साउंड आ रहा था, बज गया बोल के वो डाइश हो गया, खाकर खाकर टाइप का साउंड हो रहा है, मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक जो डाइश हुआ वहां पे, और मेरा मतलब अंदर एक होता है ना, जैसे कि क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये ऐसे टाइप का, मतलब मैं गिरी नहीं कुछ नहीं। उसके बाद बाइक वो ले गया, मैं आ गई, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, मैं सोच सोच के आ रही थी रास्ते में, फिर आई घर, पहुंची घर में, बताइए मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम पे, मतलब एक अंदर से एक डर आके, मैं बैठी थोड़ी देर, सांस ली और सोचने लगी कि अगर उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर वो बस मेरे ऊपर चढ़ जाता, बस रुका हुआ था, बस आगे नहीं आया था, चढ़ जाता, या मतलब बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आई, तो मैं वही सोच रही थी कैसे लोग एक ही पल में यू, आज है कल नहीं, ऐसे हो रहा है, तो जो कुछ हम कर रहे हैं अच्छा करें, जो कुछ मतलब एक एक दिन एक एक पल को अच्छे से जियो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अगर कुछ फील होता है तो उसको तुरंत बता दो किसी को, ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, जैसे मेरे साथ अगर कोई बुरा कर रहा है, तो मुझे नहीं सोचना उसके बारे में बुरा, क्योंकि क्या पता मैं आज हूँ कल नहीं, वो आज है कल नहीं, फिर पछताना पड़े लाइफ में।
वो सब चीजें बहुत मतलब मेरे अंदर बहुत दिन तक चलता रहा। मैं सोची कि भगवान अगर मैं उस दिन कुछ हो जाता तो फिर मैं उस दिन आई। बहुत देरी बाद मैं साड़ी पहनी, सॉरी लहंगा पहनी, रेडी हो रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि हे भगवान अगर मैं आज वहां पे मुझे कुछ हो जाता तो मैं ऐसे सुहागन ही आज मुझे लेके जाते हैं भगवान को। मैं बोली हे भगवान वो तो बहुत अच्छा है कि हर सुहागन मांगती है कि मैं सुहागन ही जाऊं जब जाऊं, लेकिन मुझे बहुत डर लगा और मेरे अंदर अभी भी डर है। जैसे मैं उस टाइम को याद करती हूँ ना तो मुझे लगता है भगवान मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा फैमिली ऐसे आता है मन में। उतना डर तो नहीं था लेकिन होता है ना ऐसे। तो उस दिन थोड़ा सा मैं डर गई थी, डर गई मतलब जो करना है फटाफट कर लो, रुको नहीं आगे के लिए। एक मिनट, आ गई मैं। थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि उस टाइम को याद करके जो भी करना है ना लाइफ में कर लो, मुझे आगे करना है, सोच के बिल्कुल नहीं रुको। आपको अगर कुछ किसी को सॉरी बोलना है बोल दो, तुरंत बोल दो, रुको नहीं। अगर किसी को गाली देना है तो गाली भी दे दो पर मन में कुछ मत रखो क्योंकि, और सबके साथ अच्छे से रहो। हाँ इंसान है भाई, कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, झगड़ा हो सकता है किसी को खराब, लेकिन भगवान जी को प्रार्थना करूंगी कभी किसी को मतलब सबको शक्ति दें कि सब लोग जिंदगी को जियो। इसीलिए मैं बोलती हूँ एक एक दिन को जियो, एक एक पल को जियो, पता नहीं आज हो कल नहीं। मैं खुद बोलती हूँ लेकिन उस दिन मैं फेल की, वो भगवान जी मुझे फेल करवाए। तो वही सब कोई अच्छे से रहिए। मेरे पापा भी चले गए वैसे करके, सासू मम्मी भी जैसे देखिए चले गए, बहुत लोग हमारे फैमिली से एक एक करके जा रहे हैं। वो सब चीज़ याद आ गया मुझे, तो किसका लाइफ किस मोमेंट में किस जगह पे जाए कुछ नहीं पता। तो आप लोग भी अच्छे से रहिए और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए, सब चीज अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचने है तो सोचने दीजिए, ऊपर वाला देख रहा है उसको सब चीज दिखाएगा, तो एक मिनट एक सेकंड के लिए जरूर फील करेगा वो चीज भगवान मेरे साथ है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग भी ऐसे ही पॉजिटिव सोचिए। तो बस इतना ही आपके साथ शेयर करना था। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।